चारों खबर पर अब विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गया की। गया से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां पर स्कूल में पिटाई से छात्र की मौत का एक मामला सामने आया है। निजी स्कूल संचालक ने पिटाई की, तीसरी क्लास के एक छात्र की मौत हो गई है। आपको बता दें, स्कूल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संचालक विकास सिंह की पिटाई से उस छात्र की मौत हुई है। आपको बता दें कि पिटाई के बाद छात्र स्कूल के बाहर दर्द से कराहते हुए सड़क पर पड़ा था, और तभी सड़क से गुजर रहे गांव के एक ऑटो चालक ने बच्चे को उठाकर उसके घर पहुंचाया, और उसके बाद उसके परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए CHC में उसको भर्ती कराया, जहां पर उसको मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और वहीं अब मेडिकल रिपोर्ट के आने के क्रम में बच्चे की मौत हो चुकी थी। जब मेडिकल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया, और इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल को घेर लिया, जमकर वहां पर हंगामा किया। वहीं इस घटना की जानकारी स्थानीय थाने को मिली, और इसके बाद स्थानीय थाना और अंचल अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने का काम करते हुए आरोपी स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर लिया, और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुट गई है। तो देखिए, इस पूरी घटना के बाद कई सवाल भी ऐसे उठ रहे हैं, जिस तरीके से स्कूल संचालक के खिलाफ अब ये कार्रवाई कब होगी। एक छात्र की इसमें मौत हो गई है, क्या स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। क्या स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं है, बड़े सवाल यहां पर इस घटना के बाद से ही उठ रहे हैं। स्कूल संचालक इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि एक बच्चे की मौत तक हो जाए, ऐसे संचालकों पर अब गाज कब गिरेगी। तो ऐसे ही कई ये बड़े सवाल है जो इस घटना के बाद अब खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से आपको ये तस्वीरें भी दिखाई अभी हमने, वहां पर जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनमें भी काफी आक्रोश है, और ये सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं, क्या बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं है। और चलिए, गया से जिला शिक्षा पदाधिकारी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सर, आपने ये खबर देखी होगी, एक बच्चे की इतनी पिटाई हुई कि उस बच्चे की मौत तक हो गई, क्या आप कहेंगे, क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? इसमें हम लोग टीम बना के जांच करा रहे हैं, इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी दोषी पर, तो हम टीम भी गठित कर रहे हैं टीम को। लेकिन सर, ये छोटा मामला तो नहीं है, इसको इतनी आसानी से कहकर तो नहीं छोड़ सकते ना, एक बच्चा जिसकी मौत तक हो गई है। जी। जो चूंकि अभी हमने तस्वीरें भी दिखाई, वहां के जो पेरेंट्स हैं, जो स्थानीय लोग, उनमें भी काफी आक्रोश है, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसकी जांच करके हम लोग कार्रवाई करेंगे, संबंधित होंगे, दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए, ऐसे में जो बाकी लोग हैं वो भी डर के साए में जीने को विवश होंगे ना, कि हम अपने बच्चों को दिन दिन भर के लिए स्कूल भेजते हैं, तो क्या कोई कठोर एक्शन लिया जाएगा, क्या स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी, ये जो संचालक उस पर क्या कठोर कार्रवाई की जाएगी? जरूर होगी, उस पर कानूनी भी कार्रवाई की जाएगी, जो हमारा जो शिक्षा विभाग के नियम है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी सख्त, और विधि के जो होगा वो भी होगा, कि कानूनन जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए भी। तो इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्योंकि ये मामला सामने तो आ चुका है, मीडिया में भी चल रहा है। अभी हम लोग टीम गठित किए हैं, जो जाएंगे हम लोग अभी जांच करेंगे। लेकिन देखिए, सवाल तो यहाँ पर लगातार लेकिन खड़े हो ही रहे हैं, जिस तरीके से लोगों में बहुत आक्रोश है, किसी के बच्चा चला गया, और जिस तरीके से ये तस्वीरें भी लगातार हम आक्रोश की दिखा रहे हैं, तो निजी स्कूल संचालक है, तो अब तक इसमें यदि कार्रवाई नहीं हुई तो सवाल तो यहाँ वाकई खड़े होते ही हैं। हम लोग का मामला संज्ञान में है, उसमें हम लोग हैं, इसकी जानकारी मिली है, तो हम लोग कर रहे हैं जी। तो चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि ऐसी, चूंकि देखिए सख्त संदेश भी मिलना जरूरी है बाकी और शिक्षकों में भी, ताकि इस तरीके की घटना वहां रिपीट ना हो, लोगों में जो शिक्षक है उनमें दहशत भी हो, जिस तरीके से इसके पहले भी राजस्थान में भी ऐसा मामला सामने आया था, अब बिहार में भी ऐसा मामला सामने आया है, तो एक सख्त संदेश मिलना कितना जरूरी है। चलिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी से बातचीत हुई, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जी मीडिया संवाददाता भी जुड़ गए हैं, जयप्रकाश हैं। जयप्रकाश, आप वहां पर मौजूद हैं, और ये तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल वहां पर स्थिति और क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट है? जी, मैं बता दूं पलक कि इस घटना के बाद जो है छात्र के घर में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि वो घर का एक चिराग था, जो चिराग
अपना भविष्य बनाने के लिए उस विद्यालय में गया था, मगर उस विद्यालय के बेरहमी जो शिक्षक थे, जो संचालक थे, उनकी पिटाई से इस तरह का वाकया छात्रा के साथ में हो गया, जो कि पूरे इलाके के लिए बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। और उसके बाद जो है सरकारी स्तर पे जांच किया जा रहा है, वही संचालक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, मगर सवाल जो खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो जिले में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें सिर्फ जांच होती है मगर जांच के बाद जो मृतक छात्र होते हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है और सिर्फ अधिकारियों के द्वारा जो है खाना पूर्ति की जाती है। क्योंकि अच्छा, अभी प्रकाश अभी हमारी जिला शिक्षा पदाधिकारी से बातचीत भी, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में टीम का गठन कर दिया गया है, तो इसमें क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बेशक टीम का गठन हुआ है, मगर अभी जो है विद्यालय जो है पूर्ण रूप से बंद है और वहाँ पर जो कार्यरत जितने भी शिक्षक पदाधिकारी हैं वो सारे वहाँ से फरार हैं और स्कूल में ताला लटका हुआ है। अब जब तक उन शिक्षकों को या फिर जो वहाँ के स्थानीय जो बच्चे पढ़ रहे थे उन बच्चों से जब तक ब्रीफिंग नहीं होगी, मामला क्या है, कैसे ये पिटाई हुई, आखिर वजह क्या है, उन कारणों का पता नहीं चल पाएगा, तब तक ये जो मामला है वो संदेहास्पद है। बिल्कुल, और आप इस पर नजर रखिएगा, अपडेट हम आपसे आगे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे आज की आपको एक और